हेलो फ्रेंड्स, मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, और जो वीडियो देखकर आप चौंक जाएंगे कि मेरे पास एक छोटा मोबाइल है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, इस मोबाइल से आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो। यकीन नहीं आ रहा, चलिए आइए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इससे पैसे भेजे जाए। देखिए, सबसे पहले यहाँ डायल करेंगे *999#। एक मैसेज आ गया है कि आपको क्या करना है, बैलेंस चेक करना है, क्या भेजना है। तो हमें यहाँ पैसे भेजना है, तो हम यहाँ सेंड मनी एक नंबर पर अप्लाई करेंगे। अब हम किस तरह से पैसे भेजना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी, या फिर खाते में डायरेक्ट भी यहाँ से भेज सकते हैं अकाउंट नंबर डाल के। तो ज़्यादा आसान जो है वो हमारा यूपीआई आईडी से ही है। तो यहाँ पर हम रिप्लाई करेंगे 3। अभी बोल रहा है कि यूपीआई आईडी डालिए अपना, यहाँ मैं अपने यूपीआई आईडी डालता हूँ। ओके का बटन दबाएंगे। ये यहाँ पर डिटेल आ गई है, हमने जो यूपीआई आईडी डाली है कि इस नाम से है ये। अब यहाँ पर ये अमाउंट डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ हम फॉर एग्जांपल 1 रुपये डाल लेते हैं। ओके करेंगे। रिमार्क लिखने के लिए बोल रहा है, तो हमें कोई रिमार्क नहीं डालना है, इसलिए रिप्लाई करेंगे 1 नंबर। अब ये फाइनल स्टेप आ गया है, यहाँ पर हमें यूपीआई चिप का जो हमारा पिन होता है हमें वो डालना है, जो हम पैसे भेजते वक्त जैसे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी से भी हम पैसे भेजते हैं तो लास्ट में एक हम यूपीआई पिन डालते हैं तभी पैसे जाते हैं, वैसे यहाँ पर वो वाला पिन आपको डालना है। तो देखा आपने, इस तरह से हम किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। अगर हमारे पास हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है और हमें किसी को पैसे पे करने हैं, तो हम इस तरह से इस फोन से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। ये तो मैंने इस पे डेमो करके दिखाया है। अगर आपके पास टच स्क्रीन वाला फोन है, आप उससे भी भेज सकते हैं। इससे मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये एंड्रॉयड फोन नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।